मैं 10:45 बजे अदालत पहुंचा था, लेकिन वहां जब हमने कहा कि कोई जल्दी करा दीजिए, हमें और कार्यक्रमों में भी जाना है, उन्होंने वकील ने कहा कि कुछ सर देरी लगेगी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि यार फिर हाजिरी माफी की आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, और जिरे के लिए उन्होंने कहा हम एक तारीख लिए ले रहे हैं, जिरे की एप्लीकेशन दिए दे रहे हैं। मैं वहां गया और 11:30 बजे 12:15 बजे वहां से चला आया। वहां से आने के बाद चूंकि हमारे पुखराया कार्यालय में भंडारे का कार्यक्रम हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, तो वहां मैं सीधे पुखराया कार्यालय पहुंचा। वहां लगभग 4 घंटे रहा, 4:15 बजे वहां से चला। फिर मैं पनकी में हमारा प्रोग्राम था उद्यमियों के साथ, पीआईए एक संस्था है उसने कार्यक्रम ले रखा था, उस कार्यक्रम में मैं रहा। उसी दौरान ये खबरें हमें पता चली कि इस तरह का आरोप लग रहा। मैं वहां पर टाइम से गया था और टाइम से मैं वहां पर वापस आ गया करीब 11:30 बजे। जो आरोप आप बता रहे हैं ये आरोप लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया, वहां से कोई कागज लेके आया, तो वहां सीसीटीवी के फुटेज हैं, पूरे अदालत में लगे हुए हैं, लोगों ने देखा होगा, कहीं तो कोई बात आएगी जांच में। अब कोई कुछ आरोप लगाने लगे तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कल चूंकि मीडिया के माध्यम से तमाम जानकारियां मिली हैं, तो मैं कल अदालत में जाऊंगा और अपना पक्ष वकीलों के द्वारा अपना पक्ष वहां रखूंगा। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सिरोधार है, मान्य है, न्यायपालिका की काम सम्मान करते हैं, लेकिन